गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं कैमरे में इसलिए नहीं देख रही हूँ क्योंकि अगर मैं इधर देखती हूँ तो मुझे अजीब लगता है, और इधर देखती हूँ तो फिर आपको लगेगा कि मैं अजीब तरह इधर उधर देख रही हूँ, और ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसे नहीं देख रही हूँ। और सेकंड चीज़ ये, मुझे ऐसे था कि मैं बहुत सारे ब्लॉग्स करूँ आजकल, वैसे भी ब्लॉग्स बनते हैं और मेरी बहन की शादी भी है, तो फिर मैंने सोचा था मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स कर पाऊँगी, अच्छे अच्छे तो नहीं मतलब कुछ भी बेसिक करूँगी, लेकिन इतने सारे काम में और कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर आज है एंगेजमेंट, तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग कर लेती हूँ। तो हियर आई स्टार्टेड नाउ। और हाँ गाइस, मेरा ब्लॉग करने का अभी तो कोई ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ या कुछ दिखाना चाहती हूँ या कुछ भी, लेकिन जस्ट एक मेमोरी कैप्चर्ड हो जाए, क्योंकि ये जो मोमेंट्स होते हैं ये दोबारा नहीं आते। और हमारे घर की फर्स्ट शादी है, मतलब बहुत दूर दूर परिवारों में भी हमारे घर की फर्स्ट शादी है, मतलब हमारी फैमिली में, इस वाली फैमिली में। तो फिर मुझे लगा कैप्चर करना चाहिए। फ़ोटोज़ तो हम लेते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं, बट ऐसे अच्छे से अगर कैप्चर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ना एक वो वाली वीडियो बनाने की विदाउट मेकअप ऐसे लग रहा है, फिर एकदम तैयार होकर ऐसे हाथ रख के फिर एकदम सुंदर से बन जाता है वो वाली वीडियो। तो मैं आज पूरा ट्राई करूँगी कि मैं वो वाली वीडियो बना सकूँ, होप सो। नहीं बनी तो कोई बात नहीं, बट मैं ट्राई करूँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारी बातें शेयर करनी है कैमरा के सामने, बट मैं बहुत ज़्यादा शाय फील करती हूँ कैमरे के सामने, नहीं ऐसे बोलने में कैमरे के सामने। तो आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बैठी पड़ी हूँ एक ही जगह, बोले जा रही हूँ, तो ऐसे ही कर रही हूँ, मैं क्या बताऊँ। और कल रात हम बहुत लेट सोए थे, और बस एक टाइम लैप्स लगता है ना कि एकदम सोए और एकदम ही सुबह हो गई, ऐसे वाला हुआ, और सुबह भी बहुत जल्दी उठ गए। तो इसलिए एक ही दिन में मुझे लग रहा है मेरे तो डार्क सर्कल्स भी आ गया। देखो मेरी मेहंदी कितनी अच्छी डार्क हो गई है। गाइस, मैं जितनी भी अगर कोई लड़की देख रही हो, वैसे अभी मतलब मेरे इतने सब्सक्राइबर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसे लड़की देखे, ऐसे रैंडम देख ले, तो जिन्हें लगता है कि वो अपनी बहन की शादी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगी, तैयार होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे हमारी बहन आ चुकी है और इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। तो फिर जिन्हें भी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगी, तैयार होंगी, सुंदर सुंदर आउटफिट्स पहनेंगी, वट एवर जो भी करेंगी वो, लेकिन उस अकॉर्डिंग हो नहीं पाता सब कुछ जितना आप प्रिपेयर करना चाहते हो, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। और वो बस काम 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 में ही रह जाते हैं ज़्यादातर। शॉर्ट पिच का निकलना था पता तुझे, क्यों तुझे देख, तो ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो ये फैक्ट है। तो जिसकी मैं इतनी देर से बातें करे जा रही हूँ वही मुझे मना कर रही है कि तू क्या करने बैठ गई है, तू तैयार नहीं हो रही है, एसेट्रा एसेट्रा, इधर आना एक बार, क्योंकि उसका तो देना वो इतराएगी थोड़ा या जो भी करेगी वो, तो इसी की शादी है। हाँ ये बच्ची जैसी लगती है, लेकिन बच्ची लेकिन इसकी शादी हमें करनी पड़ रही है क्योंकि हम इसे अब झेल नहीं पा रहे। मेरी बहन चश्मा लगाती है, तो आज हम फर्स्ट टाइम इसके लेंस ट्राई कर रहे हैं, लग ही नहीं पा रहा, वो लगवा ही नहीं पा रही है, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। बैक कैमरा कहाँ से होता है यार, बैक कैमरा नहीं होता इसमें। Oh,
गाइस, सो टुडे इज 14th ऑफ अक्टूबर एंड आज मेहंगी का एंगेजमेंट है, तो वी आर गेटिंग रेडी एंड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं और मिंकी भी दो थी। ये लड़की पागल हो गई है, शी इज लूजिंग हर पेशेंस एंड हमारा दूल्हा भी यहीं पे। चेतन से हाय। हाय। चेतन भी रेडी हो रहा है और मिंकी फाइनली रेडी हो गई है एंड मिंकी लुकिंग सो गॉर्जियस, सुंदर लग रही है, लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये पागल लड़की से अपनी शादी की टेंशन लिया। बाय।
भी ठीक हो जाएगी। सो गाइस, मैंने जब सुबह व्लॉग स्टार्ट करा था तो फिर मैंने आपको सारी बातें अच्छे से बताई थी, और मैं सोच रही थी कि मैं और भी ज़्यादा क्लिप्स ले पाऊँगी जिसमें मैं आपको बोल बोल के कुछ बता लूँगी या कुछ भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जल्दी जल्दी बस हम पार्लर के लिए निकल गए, उसके बाद एक भी वीडियो नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। छोटी छोटी क्लिप्स मैं ऐड करती रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा था कि एक पूरी वीडियो बनानी है मुझे पक्का पक्का, तो छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो मैं सारी ऐड करूँगी इसमें। बाकी जस्ट अभी हम घर आए थे, थोड़ी देर पहले आए थे, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और जो भी क्लिप्स मैंने बनाई हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। इसे व्लॉग क्या हो या फिर नॉर्मल वीडियो क्या हो, कुछ भी कहो, जस्ट मुझे बनानी थी। और शेयर करने का, हाँ शेयर भी कर सकते हैं। सो तो फ्रेंड्स, मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें और बताना चाहती हूँ जो कि शायद बोरिंग हो या कुछ भी हो, और आप ना देखना चाहें तो नहीं भी देख सकते हैं, बट जस्ट मैं कैमरे के सामने बोलना सीख लूँ तो मैं बोलती हूँ। जैसे हम अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं या कुछ भी होता है, हम एकदम दुश्मन लगता है वो इंसान। ये मैसेज मैं अपने फ्रेंड के लिए दे रही हूँ। सो लेकिन उससे हमारे इतने सारे इमोशंस कह लो या फिर एक बॉडी फील कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ ना कुछ हमारा रिलेट होता है जो हमें उस इंसान से बहुत ज़्यादा जोड़ देता है। मेरी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है, हमारी बिल्कुल नहीं बनती, हम दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं जो भी, और बहुत ज़्यादा डेंजर टाइप का करते हैं, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी लड़ाई हो रही है और ऐसे हेट हेट टाइप चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आई नो कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक माँ की तरह होती है, तो कभी मुझे मम्मी वाला फील तो मम्मी से तो कम ही आया होगा इवन, बट उससे सबसे ज़्यादा ही आता है। तो जब आज वहाँ पे एंट्री कर रहे थे वेन्यू पे हम, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, और अभी तो होना भी नहीं चाहिए था, इट जस्ट इंगेजमेंट थी। बट जैसे ही उसने स्टेज पे ऐसे स्टेज पे जाने लगी वो, तो फिर जब मेरे जो जीजू हैं उन्होंने जब उसे हाथ दिया, तो मुझे पूरी लाइफ एकदम कहते हैं ना कि एक बार में ऐसे दिख जाती है कि पीछे क्या क्या हुआ है उस पर्सन से रिलेटिंग सा, तो वो मुझे सब एकदम दिख गया। और फिर जस्ट मुझे लगा कि मैं क्यों लड़ती हूँ इससे इतना, या फिर ये भी मुझसे क्यों लड़ती हैं। और वहाँ पे मेरा रोना इतना ज़्यादा स्टार्ट हो गया, सब चुप कराने लगे वगैरह वगैरह। तो जस्ट मेरा ऑल मोटिव यही था कि हम किसी को कितना ना भी दिखाएं, लेकिन अगर कोई पर्सन जिस हमारे साथ रह रहा भी है या वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता है, हम उससे नहीं बोलते हैं, लेकिन दिल में हमारे उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता है। मैं अपनी बहन को कभी नहीं बताती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, जो भी अभी भी नहीं बताऊँगी, ऐसे नहीं पता मुझे, और ये सब मुझे थोड़ा बैकवर्ड साइड पता नहीं, मुझे नहीं आता। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख हुआ और खुशी भी हुई फाइनली कि ये सब हुआ। तो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।